तो भाई तुम्हारे भाई को मिल गया सर्टिफिकेट। तो हाँ जट्टो, क्या हाल है सबका? होप कि सारे ठीक होंगे। तो भाई पहले तो यार जैकेट जुकेट पहन लग गया, क्योंकि देखो पीछे बारिश का मौसम, अच्छी तरह दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो आज तुम्हारा भाई जा रहा था कॉलेज जा रहे हैं। तो भाई पढ़ने नहीं जा रहे अभी, मतलब 1-2 साल पहले तुम्हारे भाई का डिप्लोमा गया था, उसका सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। तो अब इसके बाद मतलब कॉलेज भी दिखाते हैं, कौन सा कॉलेज है, वहां पे कौन कौन से कोर्स होते हैं, सारा कुछ बता देंगे। घर आके भी अच्छी तरह समझाएंगे कैसे डिप्लोमा किया मैंने, कब आया था, कब, सारी अच्छी तरह बताते हैं। अभी चलते हैं क्योंकि 15 मिनट में अपनी ट्रेन है, 5-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो फिर चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं रास्ते में। चलो आज डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हारे भाई को। वो टोपी वाली टोपी नहीं बनाएंगे यार, जो बनाते हैं ना वो, क्या क्या कॉन्वोकेशन थी, वो नहीं हो रही, नहीं तो टावर से जाते हैं। तो भाई पहुंच गया कॉलेज, स्टेशन के बिल्कुल सामने ही कॉलेज है। फिर आगे आपको समझाते हैं सारी बातचीत, कैसे मिला, क्या कोर्स किया, कौन सा करना चाहिए। तो भाई उन्होंने नो न्यू फॉर्म दिया, अभी अपने कोई रहता तो नहीं वो कराने जा रहे। तो भाई आप भाई को तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल गया डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो 1-1.5 साल पहले करी, और ये तुम्हारे भाई की क्लास होती थी, मतलब आए तो हम 1-2 बारी है पर याद है थोड़ा बहुत, अब पता नहीं भाई चाइल्ड केयर से बना दिया इन्होंने। चलो घर चलते फिर आगे बात करते। तो ये भाई हैरिस पार्क है, पता ही होगा आपको, बहुत फेमस एरिया है। उसके सामने कॉलेज था मेरा, उसके सामने ये सारी मार्केट है और इधर स्टेशन है। सही है भाई, आ गया अपना। किदा साक्षी हरप्रीत, किदा भाई गोल गप्पे खिला रहा है। तो भाई उसके बाद मैं अब घर आया हूँ, मतलब घर तो हम काम उसके बाद काम पे चले गए थे, तो फिर थोड़ा बहुत बिजी हो गए थे। तो मैं आपको सारे अपने कोर्स की डिटेल्स बताता हूँ, कॉलेज बताता हूँ कौन से अच्छे होते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेनी चाहिए, कॉलेजेस में आपको वीज़ा मिलता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट होता है क्या वो कॉलेजेस में वीज़ा नहीं मिलता या रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको अभी बताते हैं। तो मैंने भाई डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट किया था, पर मैंने स्विच किया था कोर्स, तो मैंने डिप्लोमा कर लिया। अब मैं बैचलर्स कर रहा हूँ जो 1 साल की रह गई है मोस्टली। और हम बात करते हैं मेरी बैचलर्स, जो बैचलर्स इन डिजिटल मीडिया, और बहुत लोग कहते हैं भाई पीआर का क्या चांस है, पीआर का चांस है। यार ऑब्वियसली अगर मैं 2021 में बैठा हूँ, अगर मैंने पीआर 2025 में अप्लाई करनी है, तो आपको पहले तो रूल्स बताने चाहिए, क्योंकि हर 6 मंथ बाद रूल्स चेंज होते हैं। जैसे अभी रूल्स चेंज हुआ कि 2 साल से कुकरी पीआर लिस्ट में नहीं थी, पर वो अभी जैसे बॉर्डर्स बंद है 1.5 साल से, और तो लोग बॉर्डर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो अभी कोई अपडेट नहीं है। हाँ तो अब बॉर्डर्स बंद है जैसे अभी, तो कुकरी का कोर्स है, अकाउंटिंग है, वो सारी पीआर लिस्ट में वापस आ गए, वो 2 साल से नहीं थे। वो आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, वो उनके अलग रूल्स है, वो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके देखो, उनकी इतनी डिटेल्स नहीं मिले। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि कई कई होटल मैनेजमेंट वगैरह पूछते हैं, होटल मैनेजमेंट आई थिंक कुकरी में करती है, पर आप कुकरी का डिप्लोमा कर सकते हो, जो 1 साल का कुकरी होता है लीडिंग टू डिग्री होता है, तो वो 3 साल की डिग्री बन जाती है, आपको एट द एंड डिग्री मिलती है। और हाँ, जैसे मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मेरी बैचलर्स पूरी हो गई है, मास्टर्स पूरी हो गई, तो मैं कौन सा कोर्स करूं या कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी कैंपस है सिडनी में, कईयों को मेलबर्न जाना है, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, किसी को पीआर चाहिए, किसी को सिर्फ पैसे कमाने हैं, या किसी को सिर्फ काम करना है। तो आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है यॉकेट, वो जाके जरूर चेक करना, उनका एक फेयर भी है, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका इस साइड सारे फेयर्स है उनकी, उसकी मैं टिकट फ्री है आप लोगों के लिए, वो जाके लिंक दबाओ और टिकट लो, और उनसे जाके जो मर्जी पूछो, और भाई का कोड भी यूज़ करो, नीचे सारा कुछ डिटेल लिखा, उनकी वेबसाइट की भी लिंक लिखा है, और भाई का कोड जरूर यूज़ करना। अगर हम टाइमिंग्स की बात करें,
वो भाई अगर इंडिया के हिसाब से 6.5 से 10.5, और किसी का भाई बंधु कोई भी अगर दुबई या सऊदी अरेबिया साइड रहता है तो वो है 7.5 से 7.5, और प्रॉपर ऑनलाइन है भाई सारा कुछ। कुछ वॉकिंग या मतलब कहीं आपको जाना नहीं, घर बैठे बैठे आपको सारे सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे, और टाइम भी शाम का, मोस्टली सारे शाम के घर ही होते हैं, कई के गेड़ियाँ मार रहे होते हैं, कोई नहीं एक दिन घर बैठ जाना भाई करके। और इनकी एक अच्छी ये बात है कि यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सीधी बातचीत है, मतलब हम उनसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो एज ए एजेंट, नहीं कि यार जैसे मैं एजेंट हूँ आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो फिर मैं आगे किसी को क्वेश्चन बता रहा हूँ फिर उसका आंसर आ गया फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वो बातें नहीं, वो आपको सीधा यूनिवर्सिटी वालों से बात कराएंगे और सीधा वो तभी के तभी आंसर मिल जाएगा। दैट्स एन ऑनलाइन लीडिंग प्लेटफॉर्म इफ यू आर गाइज स्ट्रगलिंग विद द यूनिवर्सिटीज और द कोर्सेज व्हाट यू आर गोइंग फॉर, जस्ट क्लिक द लिंक। और आप जैसे बहुत लोग इंडिया में होते हैं कि यार अभी हमने बाहर नहीं निकलना, ऑब्वियसली इंडिया में अब सारा कुछ ठीक है, पर कई लोगों को होता है कि यार अभी भी मैंने बाहर नहीं निकलना, तो इसका ये फायदा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपको इस, यहीं पे आपको कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी प्रॉपर, आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी, स्कॉलरशिप्स में मिल जाएगी ज़्यादा। और हाँ, जैसे आप किसी और एजेंट पे जाओगे वो आपको पहले कहेगा पहले आप ऑफर लेटर मंगवा लो फिर हम स्कॉलरशिप का आपको बताते हैं, पर इसमें यह है कि आपको स्कॉलरशिप वो पहले बता देगी आपको इतनी स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है कुछ रेशो की, पर कईयों के नंबर अच्छे होते हैं कईयों के सब्जेक्ट वाइज के, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना हिसाब है, हर यूनिवर्सिटी सेम नहीं चलती, सब यूनिवर्सिटी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कर रखे हैं, तो वो जाके ये आपको सारा कुछ क्लियर कट बताएंगे। तो इनकी जाके जरूर वेबसाइट चेक करो, और भाई का नाम भी लो, नीचे कोड लिखा है, और तो कुछ खास नहीं। और हाँ, जल्दी बॉर्डर खुले यार, सब कुछ ठीक होए, हम भी इंडिया है, बड़ा मन करता है इंडिया आने का, क्योंकि 3-4 साल हो गए इंडिया नहीं गए। बाकी मिलते हैं भाई आपको अगले महीने, होप कि आपको पसंद आ रही है। हाँ, और हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, तो मैंने हाँ मैं अपने कोर्स के बारे में थोड़ा बताया था, तो मैंने डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट किया था, मैंने कोर्स स्विच कर लिया था आके, मैं डिप्लोमा में चला गया था क्योंकि तब डिग्री तब वो इंटेक नहीं था डिग्री का, तो मैंने डिग्री नहीं ली, तो अब मेरा 1 साल रह गया डिग्री का, बैचलर्स इन डिजिटल मीडिया कर रहा हूँ, तो वो लाइक उसमें भी आप यार एक मैं बात हूँ, और पीआर के हिसाब से कुछ ना देखना भी, क्योंकि हर 6 मंथ्स बाद रूल चेंज होते हैं, तो अगर कोई कोर्स लोगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना कि हाँ ये मैं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि कई कई बंदे या कुछ भी करने आ जाते हैं तो फिर वो हो नहीं पाती, या बंदे का इंटरेस्ट नहीं, फिर इंटरेस्ट नहीं बैठता तो फिर वो स्विच करते हैं, फिर बाद में पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो मतलब पैसे और मेडिकल एक्सटेंड कराना हो वो सारा कुछ, और इन पे जाके सारा कुछ एक बार ज़रूर चेक कर लो, और भाई का कोड याद कर लो, ठीक है चट्टो, ओके। तो फिर मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो में, होप कि आपको पसंद आ रही होगी। बाकी वैसे वीडियो ड्रॉप जोड़ने वाली, पर फिर मुझे याद है नहीं यार मेरी डिप्लोमा की वीडियो इतनी पुरानी पड़ी है, तो फिर उसके साथ ही पहले वो डाल देते हैं, क्योंकि आजकल मेरे से बहुत लोग इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा कोर्स करें, तो मेरे से बहुत लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम उस पर, तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट भाई को भी ऐड कर लो। फिर मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो में, होप कि आपको पसंद आ रही होगी वीडियोस, बाकी शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और थैंक यू सो मच फॉर 16K सब्सक्राइबर्स, माइल्स टू गो, और मैं खींच के जट्टो, खींच के रखो जट्टा का, चंगा ओके। और हाँ यार भाई थैंक यू फॉर 16K, उम्मीद नहीं थी कि 16,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तुम्हारे भाई के, और परसों अपने स्ट्रीमिंग भी की थी पर वो माइक वगैरह सेट नहीं है, माइक वगैरह सेट करते हैं और कैमरा सेट करते हैं, फिर भाई के साथ स्ट्रीमिंग करेंगे पबजी सैन GTA कौन कोई भी गेम में कर लेंगे। और थैंक यू, दिन भर दिन फैमिली बढ़ रही है अपनी, सूप ढूंढ रहा हूँ मैं, सूप पीने का मन कर रहा, बड़ा टाइम हो गया सूप नहीं, यही है ना नॉन सूप यहाँ भी मिलता है सारा कुछ, मिलता पर ये बनाना कैसे है, 4 कप गर्म पानी, ये तो नहीं होगा, पानी पी लेगा, I'm my life.